इंदौर नगर निगम के वर्कशॉप के समीप बने एक गोडाउन में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई, जहां आगजनी में सैकड़ों बोरी ब्लीचिंग पाउडर जलकर खाक हो गया, जहां बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। सूत्रों की माने तो नगर निगम मुख्यालय के परिसर में बने इस गोडाउन में आगजनी की घटना कल सुबह हुई, जहां मौके पर पहुंचे अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव ने बताया कि आग में बड़ी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर से भरी बोरियां जलकर खाक हो गई, वहीं अन्य सामग्री भी आगजनी की भेंट चढ़ गई है। आग बुझाने के लिए पानी आग की लपटों तक पहुंच सके, इसके लिए बड़ी मुश्किल से एक हिस्से की दीवार को तोड़कर पानी को भी आग की लपटों तक पहुंचाया गया और आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना कैसे हुई इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर बताइए आग काहे में लगी? कितनी बजे आग लगी थी सर? 7:30 लगी कुछ पता? वहाँ पे कोई कनेक्शन बिजली वगैरह का भी नहीं है, पूरा बंद था, ढका हुआ था। सर कितने का नुकसान हुआ है? जब अभी पूरा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर वहाँ रखा था, कितना रखा था आपको स्टोर हमारी तैयार करके दें। निकाल से ज़्यादा 200-300 बोरी के आसपास होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।